Hello everyone, welcome to Abhilasha's Cookspot and Lifestyle. आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब अच्छा ही होगा और बच्चों के वेकेशंस चल रहे हैं तो मम्मियों की फुल टाइम ड्यूटी चल रही होगी, जैसा कि हमारे घर वही हाल है। इस समय 7:30 बज रहे हैं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं आराम से, क्योंकि वेकेशंस है तो बच्चे यही चाहते हैं थोड़ा रिलैक्स रहें। और हमारे साथ ये मसला है कि बच्चों की छुट्टियां हैं और इस गर्मी के दिन इतने लंबे होते हैं, इतने बड़े होते हैं और बच्चों की फरमाइशें ख़त्म होती ही नहीं हैं, तो उनकी लिस्ट जो होती है वो पेंडिंग चलती रहती है हमारे लिए कि ये चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, तो हम हाँ कहते हैं और एक दिन में एक ही डिश बन पाती है। कल मैंने आपके साथ ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर किया था, तो कुछ व्यूअर्स का कहना था कि कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बताएं। तो पहला तो ये कि स्पेशल तो वही, मतलब बहुत कुछ होता है स्पेशल बच्चों के लिए, तो उनकी तो कोई लिस्ट ही नहीं है, मतलब लिस्ट का एंड नहीं है स्पेशल ब्रेकफास्ट में। लेकिन मेरे बच्चे कुछ दिनों से केक के लिए कह रहे हैं और जब से उनकी वेकेशन स्टार्ट हुई है, मैंने अभी इतने दिनों से कुछ बेकिंग भी नहीं किया है, तो मैं अपने बच्चों के लिए स्पेशल आज कुछ यही करना चाहती हूँ कि मैं उनके लिए ड्राई फ्रूट हॉट मिल्क केक बनाना चाहती हूँ। और सुबह इसलिए शुरू करूँगी क्योंकि अभी से बेकिंग की तैयारी करूँगी और केक बेक हो जाए जब वो लोग उठें तो फिर नॉर्मल भी हो जाए, ठंडा हो जाए, क्योंकि एकदम से गर्म गर्म केक तो नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं आज केक बनाऊँगी और आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। आइए देखते हैं हॉट मिल्क ड्राई फ्रूट केक। फ्रेंड्स, आज जो मैं केक बनाऊंगी वो एगलेस केक होगा, दही के साथ बनाएंगे हम। और इस केक में एकदम नो फेल रेसिपी है। बेकिंग में ज़्यादातर होता है कि जो सेम टू सेम आप फॉलो करें किसी भी केक बेकिंग की रेसिपीज़ को, तो सेम रिज़ल्ट आता है। थोड़ा सा भी अंतर हो जाता है तो फ़र्क आ जाता है। आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो आज जो केक हम बनाएंगे वो बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आएगा। और दूसरी बात कि इस केक में अच्छी बात ये है कि आप कहीं जर्नी में जा रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं, जैसे किसी के और फैमिली में भी जा रहे हैं, बच्चों को केक पसंद है तो आप पहले से बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। और घर में भी जैसे बनाएंगे, आज मैं बनाऊंगी तो जितना खाया गया उतना खाया गया, उसके बाद आप उसे किसी भी डब्बे में भर के रख सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में रख लेंगे, फिर एक दो दिन उसे आराम से खा सकते हैं, चाय के साथ दूध के साथ भी उस केक को खाएंगे। इस ड्राई फ्रूट हॉट मिल्क केक बनाने के लिए हमने आधा कप तेल लिया है, एक कप मैदा लिया है, 2 TBSP मिल्क पाउडर, 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 कप दही, 1/2 कप चीनी, ये शुगर पाउडर है, 1/2 TSP बेकिंग सोडा और आधी कटोरी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो मैंने बादाम और पिस्ते 2 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। 1/2 कप दूध लेंगे हम। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें लिए हैं हमने, सब नॉर्मल टेम्परेचर में होने चाहिए बेकिंग के लिए, और हॉट मिल्क यूज़ करना है तो इसलिए हमने गुनगुना सा दूध लिया है। सबसे पहले एक बड़े डोंगे में हमने ये 1/2 कप दही, 1/2 कप चीनी, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी घुल जाए और दही की बिल्कुल भी गांठें ना रहें, और इसे साइड में 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम प्लेट में छन्नी रखेंगे, छन्नी में हम 1 कप मैदा डालेंगे, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, सबको डाल करके 2-3 बार अच्छे से छान लेंगे।
अब हम ड्राई फ्रूट्स कट करेंगे। तो हमने बादाम को पतला लंबा कट किया हुआ है, बहुत पतला नहीं किया है, मोटे मोटे टुकड़े किए हैं, लेकिन बहुत मोटे भी ना करें। और अब पिस्ते का भी छिलका निकाल करके पिस्ते को भी इसी तरीके से 2-3 टुकड़े में कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट साइड में रख लेंगे। अब जिस टिन में हमें बेकिंग करनी है उसे हम ग्रीस करेंगे। तो हमने इस टिन को ऑयल से ग्रीस किया है, आप बटर या ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मैदा डाल करके इस तरीके से चारों तरफ डस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं मैदे से ही डस्ट कर रही हूँ। उसे साइड में रख लेंगे। अब हम दही वाले मिक्सचर में 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे, 1/2 कप ऑयल डालेंगे। दोनों को डालने के बाद अब हम मैदा 1/2 डालेंगे, पूरा एक बार में नहीं डालेंगे, 1/2 मैदा डाल करके दही वाले मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कट एंड फोल्ड की हेल्प से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो बाकी का 1/2 है मैदा वो डाल देंगे। यानी अब हमने पूरा मैदा डाल दिया है, 2 बैचेस में हमने मैदा इसमें शिफ्ट किया है और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दूध मिला देंगे। ये हॉट मिल्क है, मतलब गुनगुना सा है, ल्यूक वार्म मिल्क है, और इसको डाल करके पूरा बैटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें ज़रा भी गांठे ना रहें इस बात का ख्याल रखिएगा। एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार होना चाहिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं एकदम इसी तरीके से रनिंग बैटर होना चाहिए, इतना ही हो। और हमने ड्राई फ्रूट्स जितने भी लिए थे उसको ऊपर के जो मोटे मोटे हैं वो अलग रख लिए हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है बारीक है वो सारे मिक्स कर दिए हैं। और अब इस बैटर को हम टिन में डाल देंगे। इस तरीके से पूरा स्पैचुला से निकाल करके पूरा बाउल वाला बैटर डाल दिया है टिन में। अब इस टिन को हल्का सा टैप करेंगे। अब ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमने मोटे मोटे वाले सारे ड्राई फ्रूट्स ऊपर अलग करके रख लिए थे, तो उनको सबको हम टॉप में इस तरीके से गार्निश कर देंगे। तो दूर दूर हमने आराम से उसको फैला दिया है। तो बादाम और पिस्ते डाले हैं हमने ऊपर से। अब ये टिन तैयार हो गया है बेकिंग के लिए। हमने माइक्रोवेव को 180 पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था जिस समय हम ये तैयारी कर रहे थे। तो अब हमने केक रख दिया है, हमने 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए इसको बेक करने के लिए रखा है। लेकिन बीच में मैं 25 मिनट में एक बार चेक कर लूँगी, कई बार 25 मिनट में भी बन जाता है। और तब तक केक बेक हो रहा है मैं सारा सामान काउंटर टॉप से हटा लूँगी और जितना भी ये मैदा छानते वक्त फैलता है वो पूरा पोंछ लिया है मैंने। बेकिंग करने में मैं अक्सर यही करती हूँ कि या तो अर्ली मॉर्निंग करती हूँ जैसे आज किया है, या फिर लेट नाइट करती हूँ, क्योंकि जब ये काम कर रहे हो और बीच में बच्चे शुरू होते हैं, बन गया क्या, शुभम स्पेशली कितनी देर लगेगी, और जो सवाल जवाब शुरू होते हैं उससे मुझे बहुत फिर उलझन होती है और ख़राब हो जाता है। फिर कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है और बीच में टोंकते हैं बच्चे। तो मैं ज़्यादातर या तो मॉर्निंग में करती हूँ और या फिर लेट नाइट करती हूँ। तो जैसा कि आज है कि सुकून से सारा काम हो गया है और बेकिंग के बाद ये जो पसारे फैलते हैं छोटे छोटे, क्योंकि वीडियो के लिए हर चीज़ हमें नाप नाप के रखनी पड़ती है और बेकिंग में हर चीज़ नाप करके डालते हैं तो बिल्कुल सही रहता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो एक केक बनना है लेकिन पूरा छोटे छोटे बर्तन ज़्यादा रहते हैं, तो मैं तब तक ये भी साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि अभी तो केक बेक हो रहा है और मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो मैंने सारा अभी वाली क्लीनिंग कर ली है, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि फिर ये सब बेकिंग वाले कुछ आइटम हैं जिनको मैं हमेशा अलग रखती हूँ, वो सब मैं किचन के बर्तनों में शामिल नहीं रखती हूँ, तो वो सब सूख जाएंगे तो फिर उन्हें भी साइड में रख दूँगी। तो अब ये काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया है और सारी डिश वॉशिंग हो गई है और अभी टाइम है, केक बेक हो रहा है क्योंकि हमने 30 मिनट के लिए सेट किया था। तब तक मैं मिल्क शेक बना के रख दूँगी क्योंकि आज मुझे नाश्ते में मिल्क शेक बनाना है
और मिल्क शेक ठंडा बहुत अच्छा लगता है, एकदम चिल्ड। मैं मिल्क शेक में आइस बिल्कुल नहीं डालती हूँ। तो पहला तो ये दूध फ्रिज का रखा हुआ है कल का, तो एकदम ठंडा दूध है और इसका ही मैं मिल्क शेक बनाने वाली हूँ। आज जो मैं मिल्क शेक बनाऊँगी वो रोज़ फ्लेवर में है और ये एक शरबत है जिसमें रोज़ पेटल्स हैं और कलर तो रेड आता ही है रोज़ वाला। इसका फ्लेवर बहुत पसंद है मुझे। हम इस शरबत को 3-4 साल से, जब से नौजवान से ले रहे थे, तो फिर हर गर्मियों में मंगाते हैं। और ठंडा एकदम चिल्ड दूध डालेंगे हम ब्लेंडर जार में। आइस नहीं डालती हूँ मैं और ना ही शुगर डालते हैं। और मैं इसको आपको दिखा रही हूँ बाउल में डाल करके। इसका कलर बहुत प्यारा है और इसमें रोज़ पैटर्न्स हैं ना, जब सिप करते हैं तो वो आती हैं, मतलब पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसकी खुशबू एकदम रिफ्रेशिंग है पीने के बाद, बहुत ही अच्छा ड्रिंक। तो 2-3 चम्मच मैंने डाल दिया है ये रोज़ शरबत, और डाल करके बस अच्छे से मिल्क को ब्लेंड कर लूँगी। चीनी नहीं डाला ना ही आइस डाला, एकदम चिल्ड मिल्क है ये। कल से दूध फ्रिज में रखा हुआ था तो आप समझ सकते हैं दूध कितना ठंडा होगा। और इसके बाद भी मैं इसको बनाने के बाद फ्रिज में ही रख दूँगी, जिस वक्त पीना होगा उसी वक्त निकालेंगे। तो अब मैंने मिल्क शेक भी बना लिया है, क्योंकि लाइट का भी बड़ा मसला होता है, कई बार जब चाहिए तब लाइट चली गई। और दूसरा ये कि ठंडा भी होता रहेगा, तो मैंने इसको बना करके जग में भर दिया है और इसे फ्रिज में रख देंगे। तो अब ये वाला काम भी हो गया है, अब ये मिल्क शेक फ्रिज में रख दिया है मैंने। अभी केक रेडी होने में 5 मिनट और बाकी हैं, तो मैंने बस अब ये जार भी साफ करके रख दिया है हाथों हाथ। केक एकदम रेडी होने को ही है, मैंने अभी देख करके उसको चेक किया था। और अब केक एकदम रेडी हो गया है। आज केक में पूरा 30 मिनट लगा हुआ है, मैंने 30 मिनट का टाइमर सेट किया था तो पूरा 30 मिनट लगा है। 25 भी मैंने चेक किया था तो थोड़ी कसर बाकी थी। और केक रेडी हो गया है और केक बहुत ही अच्छा बना है। मतलब कई बार मैं डरती हूँ बेकिंग करते समय कि जब वीडियो बना रहे होते हैं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि बहुत अच्छा बना है। मतलब कलर तो उसका अच्छा आया ही है, खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई है और बहुत ही अच्छा बना है। एकदम सॉफ्ट है और अभी अभी मैंने एकदम माइक्रोवेव से निकाल करके इसको रखा है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है, सारे ड्राई फ्रूट्स ऊपर की ओर चमक रहे हैं और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। अब मैं टूथपिक से देखिए आपको दिखा रही हूँ, एकदम क्लीन है। मैंने 3-4 जगह से डाल करके चेक कर लिया है, एकदम ओके है। तो केक हमारा रेडी हो गया है, ये हॉट मिल्क केक है, बहुत ही टेस्टी है। इसे पूरा अच्छे से ठंडा होने दूंगी मैं, बिल्कुल छेड़खानी नहीं करूंगी। तब तक अब नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो मैं आज वर्मीसेली पुलाव बनाने वाली हूँ, नमकीन सेवैयाँ, जिसके लिए ये मार्केट वाली वर्मीसेली हैं, आप देख रहे हैं। इसे मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। तो मैंने करीब अंदाज से डाला है डब्बे में से, तो एक बड़ी कटोरी है शायद, तो वो उसको भून लूँगी मैं और इसे ड्राई रोस्ट करूंगी। कुछ भी नहीं मिलाया है, घी तेल कुछ भी, और इस तरीके से इसको भूनेंगे। इसका कलर ब्राउन करना है, बीच बीच में हिलाते जाएंगे और जब ये कलर चेंज हो जाता है, आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन सा है, एकदम डार्क नहीं है लेकिन ब्राउन हो गई हैं। अब मैंने उसको प्लेट में पलट लिया है। इसके लिए सारी सब्जियाँ ले ली हैं, हरा धनिया, एक छोटा आलू, एक प्याज और टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल करके प्लेट में जमा कर ली हैं। इसे पानी से धो लिया है, सारी चीज़ें एकदम साफ कर लिया है। तो एक प्याज, एक टमाटर, एक आलू और ये फ्रोज़न मटर है, मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है, पानी डाल करके साइड में रख देंगे। अब मैं सारी चीज़ें कट करूँगी। तो मैं एक प्याज को एकदम फाइन चॉप करूँगी, नाइफ से एकदम छोटा छोटा सा बारीक कट करेंगे। अब टमाटर लिया है मैंने एक, उसे भी बारीक काट लेंगे। एक आलू है मीडियम साइज़ का, उसे भी एकदम छोटा छोटा काट लेंगे। सब्जियां कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। विंटर्स में आप गाजर भी डाल सकते हैं, या बच्चे खाएं तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, वो अपनी चॉइस के ऊपर होता है। क्योंकि नमकीन सेवैयाँ बनानी है, वेजिटेबल्स डालेंगे तो वेजिटेबल्स भी खाएंगे बच्चे। हरा धनिया, हरी मिर्ची सब काट के रख लिया है मैंने प्लेट में। और मटर पानी से धो लिया है 2 बार, फ्रीज़र से निकालो तो एकदम ठंडे रहते हैं और उसके बाद अब ये नॉर्मल हो गए हैं।
अब मैंने कढ़ाई रखी है गरम करने के लिए, उसमें 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया अंदाज से। तेल जैसे ही गरम हो गया है इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा फ्राई होने के बाद 2 बारीक हरी मिर्च कटी हुई हैं वो डाल देंगे। ये हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी है वो से भी डाल दिया है, और ये बारीक आलू काटे हैं वो भी डाल दिया है। आलू प्याज हरा मिर्च अच्छे से भून लेंगे। आलू और प्याज एक साथ इसलिए डाला है कि प्याज एकदम बारीक है वो तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगी, और आलू भी इसके साथ फ्राई भी हो जाएंगे तेल में और जल्दी पक भी जाएंगे। इस तरीके से बीच में हिलाते जाएंगे, और जब आलू पक जाते हैं हल्का कलर चेंज हो जाता है, प्याज भी फ्राई हो जाती है, तब मटर और टमाटर डाल दिए हैं। अगर आप गाजर डाल रहे होंगे तो इसी समय आप गाजर भी डाल सकते हैं बारीक काट कर। तो हमने सब्जियों के बाद अब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, बहुत थोड़ा सा जैसे पोहे में डालते हैं, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर फ्रोज़न है वो बहुत ही जल्दी पकते हैं, और अब इसे ढक देंगे तो टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। आलू फ्राई भी हो चुके हैं, और फिर इसे 1-2 मिनट बाद खोल करके देखेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर मैश हो रहा है चेक कर लेंगे, और मटर को भी। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तेल में ही सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। अब हम डाल देंगे रोस्टेड सेवैयाँ, वही वर्मिसेली, और इन्हें डाल करके भी 1-2 मिनट भून लेंगे। तेल के साथ अच्छे से भून जाएंगी ये, वैसे तो ड्राई रोस्ट भुनी हुई हैं पहले से। तो अब देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, हल्दी नमक और बहुत थोड़ा सा धनिया है। अब पानी डालेंगे, तो यदि ये 1 कटोरी है तो 1.5 कटोरी पानी डालेंगे 1 कटोरी सेवैयों में। तो पानी अंदाज से डाल दिया है मैंने, पानी डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक देंगे। 2-3 मिनट बाद खोल कर चेक करेंगे, जैसे ही खोलने लगता है, और ये देखिए सेवैयाँ बहुत जल्दी पकती हैं, जैसे ही पानी खोलता है कि तुरंत वो पक जाती हैं। अब इसे ढकेंगे नहीं, खुला ही रखेंगे, और फिर इस तरीके से इसको पकने देंगे। जो इसका पानी है वो उड़ जाए इसलिए हमने इसे खुला रखा है। आप चाहें तो इसमें 1/2 नींबू भी निचोड़कर डाल सकते हैं, आज हमने नहीं डाला है। जब पूरी सेवैयाँ अच्छे से पक जाती हैं फिर हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे, और सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम रेडी हो चुकी हैं सेवैयाँ, इसे अब हम साइड में रख देंगे। आप देखते हैं केक के क्या हाल हैं, केक एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है, केक बहुत ही अच्छा आया है। मतलब मुझे तो केक को जल्दी से अनमोल्ड करने की लग रही है। मैंने नाइफ से उसको साइड में से ऐसे कट किया है, और इसे पलट देंगे। इस तरीके से पलटने के बाद हल्का सा टैप करते हैं टिन को, तो केक इजीली निकल जाता है। और आप ये देखिए कितना अच्छा केक निकला है, पूरा एकदम क्लियर। कई बार नीचे से हल्का सा चिपक जाता है, या कभी कुछ पेपर लगाओ तभी अच्छे से निकलता है। आज आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले जब भी मैंने केक के वीडियोस डाले हैं तो 2-3 लोगों ने पूछा कि क्या बटर पेपर नहीं है तो क्या करें, तो इसलिए मैंने आज ही आपको दिखाया। अगर बटर पेपर लगाते हैं तब तो क्लियर निकलता ही है, लेकिन अगर नहीं भी लगाया तो आप इस तरीके से मैदा डस्ट करके भी निकाल सकते हैं। और अब इसके पीसेस कट करेंगे। केक एकदम ठंडा हो गया, हमेशा ठंडा होने के बाद ही कट करें। और चूंकि ये ड्राई फ्रूट्स ऊपर से जो मोटे मोटे खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और देखने में भी, लेकिन जब कट करते हैं पीसेस तो थोड़ी दिक्कत आती है, संभाल करके कट करेंगे। तो एकदम अच्छे से पीसेस तैयार हुए हैं, इतना सॉफ्ट है ये केक, आप देख रहे हैं, मतलब मैं अंगूठे से प्रेस कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट है। सारे पीसेस एकदम सेम साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं, और इन्हें इस तरीके से प्लेट में सजा दिया है अभी नाश्ते के लिए। ये है हॉट मिल्क ड्राई फ्रूट केक, एगलेस केक, सुपर सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है। अब नाश्ता लगाती हूँ मैं, तो मैंने सेवैयाँ निकाली हैं, प्लेट में सर्व किया है। विंटर्स में
कभी कभी मैं ये सेवइयाँ बनाती रहती हूँ नाश्ते के लिए। इन दिनों कोई सब्जी नहीं है तो बस मटर ही है। अब फ्रिज से ठंडा मिल्क शेक निकाला है, एक बार चम्मच से हिला दिया है क्योंकि ऊपर बहुत फेना देख रहे थे आप, तो इसको मिक्स करने के बाद ग्लास में सर्व कर लिया है। ये ठंडा ठंडा मिल्क शेक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग मिल्क शेक है, और केक साथ में है तो फिर क्या कहना। तो नाश्ते के लिए शुभी बैठ गई है, अपना सेवइयाँ नाश्ता कर रही है। शुभम को तो मैगी ही याद आती है, सेवइयाँ बनाओ तो शुभम पूछता है मैगी कब बनाएंगी लेकिन शुभी तो खाती है ये सेवइयाँ, और ये मुझे भी पसंद है। शुभम के लिए कढ़ाई में रखी, लेकिन केक शुभम को बहुत पसंद है और आज वो बहुत खुश भी होगा क्योंकि केक बन गया है। वो कितने दिनों से कह रहा था कि केक कब बनाएंगी, तो आज बन गया है केक। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मतलब जितनी चीनी है ना, ना बहुत ज़्यादा मीठा है ना फीका है, और सॉफ्ट तो वो है ही। आप इस रेसिपी से ये हॉट मिल्क ड्राई फ्रूट केक ज़रूर बनाइएगा। आप इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं अगर पसंद करते हैं बच्चे। केक को जितना खाना है उसके बाद आप इस किसी भी बॉक्स में भर के रख सकते हैं। तो ये टप्परवेयर का बॉक्स है, मैंने इसमें भर के टेबल पर रख दिया है ताकि बच्चों को जब दिल करेगा तब उठा के खा लेंगे। और इन डब्बों में बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, फ्रेश रहता है, तो अभी वो ठंडा हो गया है इसलिए उसको उसमें रख दिया है। उसके बाद फिर वही बर्तन शुरू हो जाते हैं, मतलब एक टिन निकलती है, और जो हम लोग ये फ़ोटो शूटिंग करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तब तो आप देख ही रहे हैं कितना बर्तन निकलता है। और बस कांच के बर्तन रहते हैं या फिर ये सब बेकिंग वाले, तो इनको बहुत ही केयर करके रखती हूँ मैं अपनी सारी चीज़ें संभाल के, तो उनको भी सबको हाथों हाथ ही धो करके सब मैंने एक साइड में रख दिया है। इस केक को शाम में बच्चों को दूध के साथ भी दे सकते हैं, या कभी आप हमेशा बना के रख सकते हैं तो टिफ़िन में भी खाने के साथ में दे सकते हैं। तो घर का बना हुआ है, एकदम सॉफ्ट है और फ्रेश है, बच्चों को पसंद ज़रूर आएगा। बस अब सारा काम फिनिश हो गया है, जैसे ही सारे बर्तन धुल जाते हैं तो लास्ट में मैं काउंटर टॉप एक बार पोंछती हूँ। मैंने कई बार बताया आपको, तो एक बार रुमाल से पूरा पोंछ लिया है। बस ऐसा ही हमारा रूटीन रहा।